गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जिसे हम एक रूप में बोल सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल एकदम मतलब जीरो लेवल से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज्यादा उसे समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट होता है तो सीधे चैप्टर के नेम से और वहां से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे पहले के जो उसमें बेसिक कंसेप्ट लगते हैं उसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हम चैप्टर को रट रहे हैं। तो इन सभी के लिए पहले हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, जो बिल्कुल कुछ नहीं समझता है उस हिसाब से हम चलेंगे, उस लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर बच्चा बिल्कुल भी ऑर्गेनिक के बारे में कुछ नहीं समझता। हम यहां से ऑर्गेनिक को कैसे समझेंगे उसके जीरो लेवल टॉपिक से लेकर स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए होंगे, क्या है आपके पास, फर्स्ट टॉपिक ओरिजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका ओरिजन, वो कैसे उत्पत्ति हुई उनकी, उसको हम देखेंगे किस तरह से जनरेट हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री, उसको कैसे आई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे आए उसकी हिस्ट्री, कैसे आई किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जनरेट हुए हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक आपका क्या है, ओरिजन ओरिजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स कंपाउंड्स। देखो, अगर आपको ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है, तो आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा, और जितने टॉपिक्स हमारे पास लिखे हुए हैं उन सब टॉपिक्स के बारे में हमें बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसी के बाद हम जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमें बेसिक टॉपिक्स के बारे में पता है नहीं और हम जो है ऑर्गेनिक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद तो हमारे पास रास्ता वही रहेगा कि हम रटे। अगर आपको सीधा ये मान के चलिए कि छोटी छोटी चीजों के बारे में चलते हुए रास्ते में आपको कुछ बताया ना जाए कि यहाँ पर ये स्थान आया है, या ये प्लेस है, या ये विलेज है, या सिटी है, दूसरी नेक्स्ट कोई दूसरी सिटी आती है और आपको ये ना बताया जाए और डायरेक्ट आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे, तो बाद में जब आप आओगे तो आपको सिर्फ वो इमेजिनेशन रहेगा, कहाँ आपने टर्न किया था, कहाँ हम कुछ जो आप नजर आते हैं कि ये आया था, ऐसी कोई जगह आई थी, तो उसके बारे में बस आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे इस तरह से। लेकिन आपको ऐसे बताया जाए कि जब ये टर्निंग पॉइंट आया तो यहाँ पर कोई विलेज है और उसका नेम ये है, तो वहां पर आप नेक्स्ट टाइम पे जब आओगे तो आपको जहां पे भी टर्निंग पॉइंट आता है और आपको ये पता रहे कि पहले ये विलेज आया करते थे, उसके बाद हम जो है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा करते थे, तो आपको दूसरों से पहुंचने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, और रटने की जरूरत भी नहीं है। जैसे आप आए, टर्निंग पॉइंट आया और आपने देखा कि यहाँ पर ये विलेज है और यहाँ से तो हमें आगे चलना है, तो उसी के तरीके से हमें ऑर्गेनिक में भी करना पड़ेगा, वैसे ही चलेंगे। तो टर्निंग पॉइंट्स आपको आते हैं, उनका पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या टर्निंग पॉइंट है, कहाँ पर क्या होती है। देखो, तो ऑर्गेनिक जो है ना बिल्कुल आम आदमी की तरह है, बिल्कुल आम आदमी की तरह जो उसके जीवन में होता है बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता है। तो देखिए जरा, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये कैसे जनरेट हुआ उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो इसमें हम जो है कंपाउंड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम देखेंगे, उसे समझेंगे। तो यहां पर हमारे पास उस तरह से तीन रिप्रेजेंटेशन आपके पास आएंगे, हम 2D और 3D में समझेंगे। 2D के अंदर तीन होते हैं, क्या आपके पास होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर, इस तरह से। और 3D में भी हम समझेंगे 3D में कैसे देखते हैं। उसके बाद आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाए,
तो उसमें ओपन चेन, साइक्लिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइसोमेरिज्म एक बड़ा पार्ट है, और आइसोमेरिज्म के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, उसमें भी जानना चाहिए। उसमें भी आपको जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी समझना है, और उसी के बाद आपको स्टीरियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है नॉलेज हो पाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन वो देखेंगे, बॉन्ड जब हम रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन जब चलती है, तो हम जानते हैं कि जब भी रिएक्शन होती है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। जब ऐसा होता है तो बॉन्ड किस टाइप से ब्रेक होंगे, आपके पास किस टाइप से हिटेरोटिक होंगे, होमोलाइटिक होंगे, किस तरह से ब्रेक होंगे, उसके बारे में जानेंगे। और इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपके पास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये एक तरह से मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन का, या रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसका, ब्रेन की तरह कार्य करता है। ये समझिए कि इन सब के अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे, जैसे कि आपने देखा हो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मिजोमेरिक इफेक्ट, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। और ये हमने ऑलरेडी चला रखे हैं यूट्यूब पर, जिसको भी समझना है हम बाकी को इधर देखेंगे, इसको ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है मैंने। जो रिमेनिंग है वो चलते रहेंगे आगे, उसमें भी अलग से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके देख सकते हो। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तो अलग से हमने, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह है, रेजोनेंस है, मिजोमेरिक इफेक्ट है, ये सारी चीजें समझनी होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह सब कुछ। और ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि ये रिएक्शन के ब्रेन की तरह कार्य करते हैं। ये मान लीजिए कि जैसे कोई आपके पास कोई व्यक्ति आके बैठा है, आपके पास जैसे आके बैठता है और आप उससे किस तरह से इफेक्ट होते हो, तो उसके आने से वो कितने नजदीक है, किस तरह का इफेक्ट है, वो किस तरह के नेचर का है, आप किस तरह के नेचर के हो, तो ये कनेक्टिविटी आपकी होगी, उसकी वजह से आप किस तरह से इफेक्टेड हो, आप बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, लेकिन आपके माइंड में सब कुछ चलता रहेगा। आप उससे कितना ज्यादा दूर जाना चाहते हो, कितना ज्यादा उसके पास जाना चाहते हो, ये सारी बातें होती है। तो एक तरह से आपके ब्रेन की तरह कार्य करता है, और रिएक्शन के थ्रू होता है, और बिना रिएक्शन के भी, मतलब ऑलरेडी कंपाउंड में भी प्रेजेंट होता है। तो हम देखेंगे परमानेंट और टेम्परेरी, ये सारी बातें इसी में होती है। और टाइप ऑफ रिएक्शंस, हमारे पास टोटल टाइप्स कितने होती है, रिएक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, या रिएक्शन चलती है, सॉरी, रिएक्शन जब चलती है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शंस आपके रिएक्शन जो कंप्लीट होगी वो वन स्टेप में है, टू स्टेप में है, थ्री स्टेप में है, ऐसा होता है, तो क्या क्या फॉर्मेशन होती है हम वहां जानते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट भी बनता है। तो आपके पास जो है इंटरमीडिएट वहां बनेगा, वो हम समझेंगे। और रिएजेंट बहुत ज्यादा जो है रोल रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये मान लीजिए कि अगर मेरे से बोले कि अलग से आपको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, तो रिएजेंट है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। टाइप ऑफ रिएक्शन का बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स की होती है और उसका मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पढ़ते हैं तब समझ में आ जाता है कि किस किस टाइप्स के इंटरमीडिएट होंगे। सिक्स टाइप्स के इंटरमीडिएट होते हैं, आप लोग वैसे नॉर्मली जानते हो, कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, है ना। तीन और होते हैं, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन, उनके बारे में आप लोगों ने अगर नहीं जाना हो तो कभी हम जब पढ़ेंगे इसमें तो डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में जनरली नॉर्मल बात हो ही जाती है। तो दूसरा आइसोमेरिज में है, और तीसरा आपके पास जो है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, क्लासिफिकेशन है किस तरह के होंगे, ये दोनों टॉपिक्स नॉर्मल है पर हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें अच्छे तरीके से जो पॉइंट ऑफ एग्जाम की बात हम करें, अगर उससे पढ़ना है तो हमें आइसोमेरिज्म का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, और रिएजेंट का हमें पता होना चाहिए, और टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। बस उसके इस इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो हमारे पास, हमने यहाँ पर लिखा, तो पहला टॉपिक क्या है आपका, बेसिक, है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसे आप क्या कह सकते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हो, जिसे हम कह सकते हैं जीओसी। तो आपके पास ये जीओसी का एक पार्ट है, पूरा जीओसी है, ये सारा टोटल जो है वो जीओसी है। उसमें से हमने पहला लिया है ऑरिजन ऑफ कंपाउंड्स, तो फर्स्ट टॉपिक आपका ऑरिजन ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए जरा कैसे, पहली थ्योरी आपके पास, फर्स्ट थ्योरी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी,
थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, अगर हिंदी में भी कोई देख रहा है तो इसे हम कह सकते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, सिद्धांत है ना। तो जैव शक्ति सिद्धांत हम इसे बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। और हमारे पास ये क्या होगी, वाइटल फोर्स थ्योरी होगी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी है आपको, ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो बर्जिलियस ने दी है। किसने है, बर्जिलियस ने, बर्जिलियस, बर्जिलियस ने ये करीब 1780 में बर्जिलियस ने प्रोड्यूस की। और इसके कहना क्या था, अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं वो सारे के सारे किसमें मिलेंगे या किसमें फॉर्म होते हैं, ओनली किसमें फॉर्म होंगे, ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होंगे, मतलब जीव जंतुओं के अंदर, प्लांट्स में, जीव जंतुओं में, इनमें बनेंगे, ठीक है जी। और बाकी कहीं पे भी नहीं बनते हैं। ये किसने बोला है, बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने क्या बोल दिया आपके पास, क्या थ्योरी प्रोड्यूस की है, क्या थ्योरी फॉर्म की है, क्या बोला है उसने कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन अ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फॉर्म होते हैं वहीं पे मिलते हैं, अदर कहीं पे भी है ना, वी डू नॉट फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी है ना, वी डू नॉट सिंथेसाइज्ड। तो हम उसे फॉर्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं किसके, लेबोरेटरी के अंदर। ये तो थी किसकी, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद दूसरी थ्योरी आपके पास आ जाती है, और दूसरी थ्योरी किसने दी है, वह है एफ ऑलर। कौन है एफ ऑलर, दूसरा साइंटिस्ट है। और ये साइंटिस्ट क्या बोलता है आपके लिए कि ये किसका, इसका, बर्जिलियस की जो थ्योरी है उसे ब्रेक डाउन करता है और बोलता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉरी जो ऐसा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर लेबोरेटरी में बनाएंगे तो लेबोरेटरी के अंदर इसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म किया, और वो किससे किया, अमोनियम, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट को इसने हिट किया और क्या बना लिया, यूरिया। क्या बना लिया जी, यूरिया। ये क्या है आपके पास, यूरिया है ना, और ये क्या है, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया फॉर्म किया, किसने किया, ऑलर ने। और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में फॉर्म किया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे इसके अंदर से तो कौन कौन से होंगे आपके पास, एक पहला क्वेश्चन ये कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा होगा, यूरिया। आपके पास जवाब हो गया यूरिया। और किसने फॉर्म किया, अगर पूछ भी ले तो किसने किया है, ये एफ ऑलर ने। किसने किया, एफ ऑलर ने। और ये करीब करीब 1856 के आसपास जो है फॉर्म किया गया था, ठीक है जी। तो ये आपके पास जनरेट हो गया है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी, सालों से यही चलती आ रही थी, लेकिन ओलर ने इसे ब्रेक डाउन कर दिया है। बात समझ में आ गई क्या, चलते हैं आगे। तो ये तो आपके पास ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसको जनरेट कैसे हुआ है, वो किस तरह से जो है हमारे सामने आया है निकल के। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे वो हम बहुत अच्छे तरीके से, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसको समझेंगे। उसके लिए भी एक टॉपिक और अपने पास आ जाता है, और वो रह गया था कौन सा है, नोमेनक्लेचर। कौन सा है, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर के अंदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भी जीओसी का पार्ट है, नोमेनक्लेचर। तो अपने पास टोटल कितने, 10 टॉपिक्स हैं, और 10 टॉपिक्स में से पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सॉरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट होती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें समझ में आ जाएगी। अगर ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको नोमेनक्लेचर ही नहीं आते हैं, लिखना नहीं आता है, कोई कंपाउंड देख के उसका नेम नहीं लिख सकते, तो आप ऑर्गेनिक में किस तरह से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें पंडित बनना पड़ेगा, पंडित बनने के लिए हमें उसके रूल्स समझने पड़ेंगे, किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है नेम जनरेट करें, किस तरह से देखेंगे, तो उसके रूल्स हम देखेंगे, ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास टॉपिक्स है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, और अब हम चलते हैं आगे।
ठीक है जी, लिख सकते हो आप लोग, है ना, से लिख लेना। ठीक है, आगे चलता हूं। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में फॉर्म किए गए। हमारा टॉपिक जो है उसके लिए बेसिक कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता लगा, हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होके हमारे सामने आया। जब आ गया तो उसे दूसरे टॉपिक में क्या आ गया आपका, रिप्रेजेंटेशन। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल निकल के बहुत सारे आएंगे, कौन कौन से होंगे वो हम समझेंगे उसको नोमेनक्लेचर में, जो फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं इस बारे में स्टडी करेंगे, क्रियात्मक समूह जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी होंगे ऑर्गेनिक के अंदर यूज होते हैं, उन सबको लाकर हम रखेंगे और आपके सामने साफ रहेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, है ना। ठीक है, अभी फिलहाल तो आप पेशेंस रख के देखते रहिए। देखो, दूसरा टॉपिक आपके सामने क्या आ गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर हो चुका है तो इसे हटा दें, है ना जी, इसे हटा देते हैं। दूसरा क्या है आपके सामने, टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी देखें थोड़ा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो जरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे आपके पास, किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है ना जी। देखो, अगर मैं फर्स्ट में नंबर ए पर बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं इन टू डी, टू डी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। और दूसरी बात मैं करने जाऊंगा थ्री डी, ठीक है ना। तो टू डी के अंदर अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे बताओगे आप, 2D का मतलब आपके पेज पर किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। थ्री टाइप से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट होगा आपके पास एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड है ना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है जी, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। दूसरा इसे क्या बोल सकते हो आप, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर। दूसरा आपके पास क्या है, अगर दूसरे की हम बात करें तो आपके पास क्या हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। और थर्ड नंबर का आपके सामने आ जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कौन सी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर का हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो फर्स्ट है कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको, किस तरह से समझाओगे, देखता हूं। देखो इधर, देखो जरा इधर, किस तरह से समझाओगे इसको, एक्सपेंडेड या कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होगी, कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मॉलिक्यूल ले लेता हूं, C4H10, C4H10, ठीक है ना। इस C4H10 को अगर आपसे पूछा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे, इस तरह से हर चीज रिप्रेजेंट करोगे, हर चीज को बताओगे कि कौन क्या किस तरह से बॉन्डेड है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, कितने कहाँ पर है, किस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, किस किस बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये सारी बात आप बताओगे। इस तरह से उसे पूरा एक्सपेंड करके, पूरा इस तरह से एक्सपेंड करके लिख कर रिप्रेजेंट करोगे, उसे कहते हैं हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखेंगे। अब इसकी बात करते हैं तो कंडेंस्ड कैसे कैसे किया जा सकता है। तो देखो जरा, पहले मैं हाइड्रोजन को कंडेंस्ड कर दूं तो किस तरह से लिख दूंगा, CH3, इसके तीनों हाइड्रोजन को कंडेंस्ड करके लिख दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना जी, इस तरह से। ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है नंबर एक। नंबर सेकंड में और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, CH3, CH2, ये एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको मैं क्या कर सकता हूं, 2CH3, ऐसे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और थर्ड नंबर पर मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सबको, कार्बन को भी, कार्बन को, सारे कार्बन को एक साथ, तो C4H10 भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये सारे के सारे क्या कर दिए आपने, कंडेंस्ड कर दिए। बात आती है कौन से पर, थर्ड नंबर पर। बात आती है किस पर, थर्ड नंबर वाले पर, और वो कौन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, आपने देखा होगा इस रिप्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस ही क्या है, इसे हमें सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए,
आपके पेज वगैरह बचाने के लिए, है ना, इंक बचाने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। आप समझो बात को, कि आपको अगर इस तरह से एक एक एटम को एक्सपेंड कर करके लिखोगे तो आप कब तक लिखोगे? आपका टाइम वेस्ट है, आपकी इंक वेस्ट है, आपका पेज वेस्ट है, सारा कुछ वेस्ट है। और बिल्कुल किसी को समझाना होगा तो इतने सब कुछ लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आपको पता है ऑर्गेनिक में जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर्स आएगी, एक दो स्ट्रक्चर्स इस तरह की नहीं होगी, ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके की स्ट्रक्चर्स आएगी। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ऐसे आपको मैं समझाऊं तो, अगर मैं बोलूं कि मुझे अगर बेंजीन को रिप्रेजेंट करना हो, किसको बेंजीन को रिप्रेजेंट करना हो, तो मुझे बताओ इस तरह से बेंजीन को अगर मैं लिखूं, इस तरह से बेंजीन को अगर मैं लिखूं इस तरह से, और फिर इस तरह से मैं लिखूं, उसमें मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और लिखने में कितना जगह जो है वो खराब हो रही है। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं बहुत जल्दी तरीके से। ये इससे क्या पता लगता है कि जो पॉइंट होता है आपका, ये पॉइंट जो होता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। क्या है? अब इसमें कुछ बातें अंडरस्टूड है, वो समझनी पड़ेगी। जैसे कोई भी टर्निंग पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जो आएगा, जो टर्न करेगा या नॉर्मल होगा, जो टर्मिनल पॉइंट होगा या नॉर्मल टर्निंग पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या सॉल्व करेगा आपके लिए? कार्बन। ये पॉइंट जो है वो क्या बताएगा आपके लिए? कार्बन। क्या बताएगा? कार्बन। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि कार्बन की वैलेंसीज कितनी होगी। कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है? 4 वैलेंसी होती है। अगर 4 वैलेंसी होगी तो आप जरा देखो, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन अगले वाले नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे ऐड है। अगर उससे जुड़ा हुआ है तो उसकी कितनी वैलेंसी अभी तक काम आई? एक वैलेंसी काम आई। अगर यहां से यहां देखोगे तो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो इसकी एक वैलेंसी काम आई। अगर एक वैलेंसी काम आई है तो रिमेनिंग कितनी वैलेंसी है अभी इसके पास? इसके पास 4 में से 1 काम आ गई, 4 में से 1 अगर चली गई है तो 3 इसके पास रह गई है। और 3 कौन होंगे? ये सिर्फ ये बात हमें हाइड्रोकार्बन के अंदर अंडरस्टूड रखनी पड़ेगी, छुपा कर रखनी पड़ेगी। आप और हम ही इस बात को समझेंगे, तीसरे के समझने की बात नहीं है, ठीक है ना? तो क्या समझना है कि यहां पर ये समझना है आपको और हमें, सिर्फ यही बात समझनी है कि अगर ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, बाकी इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे, वो आप और मैं जानता हूं, बाकी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर रिमेनिंग कौन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। कौन होंगे? 3 हाइड्रोजन। तो वो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना? ये जैसे कार्बन है तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा। तो देखो, मैंने टर्मिनल पर 3 है तो 3 यहां पर, देखो यहां पर अगर कार्बन है, इस कार्बन पर कितने बॉन्ड है? ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? एक इससे है, एक इससे है ना, एक पीछे वाले से, एक नेक्स्ट वाले से बॉन्डेड है। अगर ऐसा है तो कार्बन की कितनी वैलेंसी बॉन्डेड हो चुकी है? कितनी वैलेंसी बॉन्डेड है? 2 वैलेंसी बॉन्डेड है। और रिमेनिंग कौन होगी? 2 और रिमेनिंग है। तो वो आप और हम जानेंगे कि ये अंडरस्टूड है, आप और हम समझेंगे इस बात को कि यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है। ऐसे ही इस पे बात करें तो 2 वैलेंसीज कंप्लीट है, रिमेनिंग 2 बची, तो यहां पर क्या होगा? 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है? 1 वैलेंसी कंप्लीट है, रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा। ये सिर्फ आप और हमारे समझने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? नहीं आई? ओके, तो चलते हैं आगे। ये किसके अंदर समझा हमने अभी तक? ये जो समझा है वो 2D में समझा है। किसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसमें समझा है जी? 2D में समझा है। अब बारी आती है 3D रिप्रेजेंटेशन की, कि 3D में कैसे समझा जाए। अगर मैं ये कहूं कि मुझे मिथेन समझना है, क्या समझना है? मिथेन, तो मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, एक पॉइंट। हालांकि ऑर्गेनिक के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर इस डॉट का मतलब फ्री रेडिकल हुआ करता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, खाली कागज दे दिया, उस खाली पेज पर एक डॉट का, पेन का डॉट लगा रखा था और बोला बोलो इसके अंदर क्या है, इस पूरे पेज के अंदर क्या है। कई लोग उसे देख देख के चला गया कि पेज खाली है, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे भी थे जिनको डॉट नजर आया और बोला इसमें फ्री रेडिकल है। इस तरह से होते हैं, है ना, इंटरव्यूज। आप ध्यान रखें, हर चीज समझने की है। तो हालांकि ये डॉट तो हमारे लिए फ्री रेडिकल है, इसीलिए हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है। वरना हम कह सकते हैं अगर कार्बन रिप्रेजेंट, तो एक जो पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट होगा, ये पॉइंट कार्बन को, और रिमेनिंग 4 इसके हाइड्रोजन है। तो अगर मैं कहूं मुझे CH4 को
सॉप करना है तो मैं उसे किस तरह से, 2D में किस तरह से करूंगा, 2D में मैं इस तरह से कर दूंगा, CH4 को किस तरह से कर दोगे, इस तरह से। लेकिन मुझे 3D में समझाना होगा, तो मैं 3D में कैसे समझाऊंगा, जरा देखिए। जैसे मैं रब कर रहा हूं, है ना, जो लिखना चाहता है वो लिख लेना, ठीक है जी। देखो फटाफट से चलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन में। तो ये आपका 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब बात कर लेते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन की। तो वन हो गया, बी पे आपका क्या है, इन 3D रिप्रेजेंटेशन। मुझे अगर 2D में CH4 को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा जी, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मुझे यही बात, इसको मुझे 3D में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये कार्बन है और इसे कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये ग्रीन वाले से मैं बता रहा हूं अगर, तो ये मेरे पास इस तरह का होगा। और दूसरे से मैं बात करूं तो इस तरह से मेरे पास होगा, तो ये होगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप एक कार्बन हटा भी सकते हो, है ना, ये नॉर्मली पॉइंट रख सकते हो, इस पर नॉर्मली पॉइंट रख सकते हो। तो देखो चाहो तो दिखाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सेंट्रल पॉइंट है, ये क्या है, सेंट्रल सेंट्रल एटम, क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। इस सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा पहले। पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, और हम जानते हैं CH4 में हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो आप क्या देखोगे, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, आपको आना चाहिए, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जरा देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर है क्या, नहीं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 1s और 3 p होगा। तो sp3 में क्या होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। हाँ देखो जरा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था ना, तो हम शायद यहाँ पे थे। तो देखो यहाँ पर क्या, सेंट्रल एटम रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, sp3। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। तो देखो कार्बन के पास जो है वो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो कितने हैं, 4 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या लोन पेयर है इसके पास, आप लोन पेयर देखो, क्या इसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल भी नहीं, उसके पास लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो ये कितना हो गया, 4, तो कितना हो गया, 1s और 3 p, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल रियलिटी में दिखता कैसा है, चतुष्फलकीय, हिंदी वालों के लिए, है ना, तो चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल दिखेगा कैसे, देखो जरा, अगर टेट्राहेड्रल को हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या होगा, जैसा जैसा इसमें है वैसा मैं ले लेता हूं इसको, इस तरह से होगा, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है उधर, इस तरह से होगा। यहां पर देखो जरा, अगर मेरे पास ब्लैक वाले हैं, ये दोनों ब्लैक हैं, ये ब्लैक कैसे होंगे आपके पास, ये जो इसमें मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं ब्लैक, तो ये मेरे पास यहाँ पे भी क्या होंगे, ब्लैक होंगे। अगर ये ब्लैक हैं तो ये इन द प्लेन की बात कर रहे हैं, ये दोनों लाइन जो है इस तरह की लाइन होगी, नॉर्मल जो बॉर्डर लाइन जैसी आपको दिख रही होगी, ये कैसे होगी, इन द प्लेन रिप्रेजेंट करेगी। तो आपके पास ये दोनों किस में कर रहे होंगे, इन द प्लेन है। और अगर ये ग्रीन की बात करूं, जो मैंने वेज से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसे वेज बोलेंगे, इसे डैश बोलेंगे, डैश 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 डैश, इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये वेज है इस तरह से। तो मैंने वेज वाला, वेज वेज और डैश कैसे डिसाइड करते हैं, तो वेज और डैश ऐसे डिसाइड करोगे, ये वीवर पर डिपेंड करता है, वीवर जिधर है उधर दिख रहा है तो वेज है, और वीवर से पीछे उधर दूर की तरफ जा रहा है तो उसे डैश से करेंगे, है ना, ये वेज होगा वो डैश होगा, वीवर की तरफ है तो वेज है, वीवर से दूर जा रहा है तो डैश है, ठीक है ना जी। तो देखो जरा, अगर ये टूवर्ड्स द वीवर है, टूवर्ड्स द वीवर है, तो इसे क्या बोलोगे आप, वेज रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से दिखता हुआ इधर आता हुआ, ठीक है जी। और अगर ये वीवर से दूर जा रहा है तो इसे डैश 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 रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से दिखेगा ये, बात समझ में आ गई। तो ये सेंट्रल एटम होगा, ये इससे जो है सारे क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे हाइड्रोजन, और इसका बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल और इसका बॉन्ड एंगल, ये सारा बॉन्ड एंगल जो है इक्वल है, टोटल बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये कितने होंगे, ये कितना होगा बॉन्ड एंगल जो है, सारा का सारा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 100
28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है जी। ये आपके पास बॉन्ड एंगल होगा। अब इस बॉन्ड एंगल में अगर लोन पेयर ऊपर आ जाए तो वो डिक्रीज कर सकते हैं बॉन्ड एंगल को, अगर बल्कि ग्रुप आ जाए तो इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपको एक बॉन्ड एंगल का पता होना चाहिए, कब इंक्रीज होगा। तो आप सी एच फोर को एक कॉमन मान के चले, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैंने सी एच फोर की जगह पर दो सी एच थ्री बल्कि ग्रुप लगा दिया तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा घटेगा, कार्बन पे मैंने लोन पेयर लेके आया अगर तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब हम जो है किसके अंदर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे। ये सब चीजें वहां पर देखेंगे, ये डिपेंड करती है कि यहाँ पर छोटा है छुटकू है या फिर भारी वाला है ना। तो उसकी वजह से ये कार्बन इफेक्ट होगा, उसकी वजह से कार्बन में इफेक्ट होगा, उसका ब्रेन हिल जाएगा कि अभी छोटे छोटे इसके कंट्रोल वाले हैं तब वो ठीक बिठा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बॉन्ड एंगल। अगर उसके बाद हमने यहाँ पर सी एस थ्री ले लिया और ये इससे भारी बल्कि वाले आ गए तो कहीं ना कहीं इनके बॉन्ड एंगल में इफेक्ट होगा, है ना। तो इस तरह से जो है हमें ये समझना पड़ेगा, ये चीजें हमें कॉमन, ये बेसिक है कि, तो आपके लिए सी एच फोर एक बेसिक है, उसका बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए। बोलो ये समझ में आया क्या, बोलिए भाई ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो हम बात आगे कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया आपका, 3D में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलोगे वेज, और इसको क्या बोलोगे डेस, इसको क्या बोलोगे डेस, है ना। तो डेस रिप्रेजेंटेशन ये होगा और वेज रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो इन दोनों को, और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये वेज क्या है अबाउट द प्लेन। अगर प्लेन में भी दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो, प्लेन में भी अगर हम बात करें तो इस तरह से बात कर सकते हो आप। देखो ऐसे बोल सकते हो, अगर हम बात करें इसकी, देखो जरा मैं बात करूं इसकी, तो मुझे ये प्लेन में दिखाना है, मतलब इसके प्लेन में इस तरह से, इस तरह से दिखाना, इस तरह से प्लेन मतलब ये देखो है ना, प्लेन में ये एक प्लेन है, और इस प्लेन में देखूं अगर मैं तो ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, मैंने प्लेन लगाया तो प्लेन के अंदर चले जाएंगे, ये इस तरह से रहेंगे, ठीक है जी। इस तरह से प्लेन में, ये तो प्लेन में आ नहीं रहा, ये तो प्लेन में, देखो पीछे वाला भी प्लेन में आ नहीं रहा, प्लेन से बाहर है, और इधर वाला भी देखो प्लेन से बाहर है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये ब्लैक ब्लैक वाला ले लेता हूँ मैं, प्लेन में पहले भी प्लेन में समझाया तो प्लेन में ले लेते ब्लैक वाला ना, ये आप समझ में आ जाएगा ऐसे। तो देखो जरा हम बात कर रहे हैं इस तरह से, तो आपने क्या किया, अगर ये दोनों ब्लैक ब्लैक वाले हैं प्लेन में है, इधर भी प्लेन में है, इधर भी प्लेन में है, आपने दिखाई दे रहा होगा प्लेन में ही है, तो आपको ये अबाउट द प्लेन आप तरफ देख देख रहे होंगे, तो ये प्लेन से बाहर है, ये प्लेन से बाहर है, और ये एक पीछे है, ये प्लेन से दूर जा रहा है। तो आप ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दें जैसा आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ है तो ये वैसे रिप्रेजेंट होगा ग्रीन वाला, और रेड वाला है जो ये वाला, ये रेड वाला है तो ये रेड वाला क्या होगा आपके पास प्लेन से बाहर है ना, तो उधर पीछे है प्लेन से, तो उसे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है जी। बोलो समझ में आया क्या, देखिए अब आगे चलते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो चुका है इसका, अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो आपका दूसरा टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए जरा क्लासिफिकेशंस करेंगे इसके, तो किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपका जो है उसे किस किस तरह से उसे डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो, है ना, क्लासिफाई कर सकते हो। नंबर वन और नंबर टू, नंबर वन क्या बोल सकते हो, ओपन चेन वाले, ओपन चेन वाले, ठीक है जी। तो ओपन चेन वाले नंबर वन, नंबर टू क्या हो गया आपके पास, नंबर टू में कौन है साइक्लिक, क्या हो गया साइक्लिक, इसको क्लोज चेन भी बोल सकते हैं, साइक्लिक चेन भी बोल सकते हो, क्लोज चेन भी बोल सकते हो, ठीक है जी, साइक्लिक चेन या क्लोज चेन, इस तरह से हम इसे बता सकते हैं। देखो जरा ओपन चेन में क्या होगा आपके पास, ओपन चेन में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ओपन चेन में इस तरह से अभी रिप्रेजेंट किया था, सारे को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, है ना, सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री, ये। और साइक्लिक में कैसे, इसी को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे इस तरह से साइकिल में बना दोगे, तो ये साइक्लिक हो गया, बात समझ में आ गई। तो मुझे क्या करना है, इन सबको देखना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर,
ओपन चेन में कौन सा होगा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो फर्स्ट इसमें ओपन चेन में टू टाइप्स का है, कौन सा है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, सेचुरेटेड में कौन सा होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बॉन्ड होंगे। तो इसमें क्या होगा, ओनली, है ना, कार्बन ओनली बॉन्डेड टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और इसकी बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्डेड टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, किससे, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो ये सिर्फ ओनली एक ही होगा, और इसका एग्जांपल कौन होगा, अगर हम बात करें तो कौन आएगा इनमें, एल्केन। कौन होगा, एल्केन, और एल्केन के लिए सिग्मा बॉन्ड। और इसका सफिक्स आप यूज करते हो कौन सा है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ANE। किसी भी नेम के पीछे अगर ANE आ रहा है, उसका मतलब सीधा समझ जाओ सिग्मा बॉन्ड। फिर से कोई कौन सी बात करनी है, आपके और हमारे समझने की बात है। तो आप क्या करोगे, जहां पर ANE समझनी है आया है, वहां क्या समझोगे, वन वन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ये समझोगे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड होगा। और इसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2। जैसे आपको n बराबर कितना ले लेना है, 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H2 × 4+2। तो क्या हो गया, C4H कितना हो जाएगा यहां पर, 8, और कितना हो गया, 10। तो आपने देखा है, अभी मैंने एग्जांपल लिए थे पहले वाले में, तो वो कौन सा था, C4H10। तो बात समझ में आ गया, उसका मैंने नेम क्या लिखा था, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। तो आपके पास इस तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो ये CN, तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। दूसरा क्या है आपके पास, इधर देखोगे तो आपके पास टू टाइप्स के होंगे, कौन सा होगा, एक एक तो होगा एल्कीन, दूसरा कौन सा होगा, मैं थ्री टाइप से बोल सकता हूं इसको वैसे तो, एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन। और जिसमें एल्कीन और एल्काइन, ये यहां पर क्या है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। और किसी में डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए, किसी चेन में डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए, तो उनको क्या बोलोगे आप, एल्कलाइन। क्या बोलोगे, एल्कलाइन, यानी इन और आइन दोनों, इस तरह से। तो ये क्या है आपके पास, इन और आइन दो है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, CnH2n, और इसमें क्या हो जाएगा, CnH2n-2। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। जैसे हम n बराबर के क्या ले लें, इसमें 4 ले लें, इसमें भी क्या ले लें, 4 ले लें। तो इसमें लिया था तो क्या हो गया, C4H10 आया था, इसमें लोगे तो क्या हो जाएगा, C4H कितना हो जाएगा, 8। और इसमें क्या हो जाएगा, C4 8 आया, 8 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 6H6। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। और इसी को कैसे पता करें कि इसमें, कैसे पता करें कि डबल बॉन्ड है नहीं है, सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, ये समझना कैसे, हमें पता नहीं है। नॉर्मली मान लीजिए हमें पता नहीं है, हमें इस तरह से जो है कंडेंस्ड करके दिया गया है, तो हम कैसे पहचाने कि इसमें डबल बॉन्ड है नहीं है। तो आप YouTube पर जाके देखें, मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया हुआ है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में DU, है ना। तो वहां पर उसको देखोगे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन किस तरह से निकालते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले कहां पर है, वहां पर जाके देखें, तो ये सारी चीजें वहां पर समझेंगे। तो ये हो गई अपने पास कौन सी, ओपन चेन। क्या है, ओपन चेन। तो ओपन चेन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना जी। तो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब आ जाइए साइक्लिक में। क्या मैं रफ कर दूं इसको फटाफट से, हाँ जी हो गया, देखो जरा, बात करते हैं, देखो जरा, ये ओपन चेन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं साइक्लिक चेन। तो साइक्लिक चेन में अगर बात करें तो साइक्लिक चेन कैसी होगी जरा देखें, साइक्लिक चेन में टू टाइप्स के होंगे, देखो कैसे होंगे,
होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक। और कौन से हैं? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, है ना। तो ये है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। आप हिंदी वाले बोल सकते हैं से समचक्रणी और विषम चक्रणी, है ना, समचक्रीय विषम चक्रीय, इस तरह से समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय में कौन सा होगा? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मीन्स आप नॉर्मली समझ सकते हो कि ऐसे कार्बन चेन, ऐसे साइक्लिक चेन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन टाइप के क्या हो, एटम्स हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? होमोसाइक्लिक चेन बोलेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे? ऐसे कार्बन चेन जो उसमें कोई दूसरा अदर, अदर जो है कार्बन एटम या सॉरी अदर जो है एलिमेंट आ जाए, कोई भी अदर एटम आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। जैसे कि आपके पास अगर यहाँ कार्बन चेन की बात कर रहे हो तो साइक्लिक पूरा पूरा उसमें कौन है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, तो ये क्या होगी? होमोसाइक्लिक होगी। क्या होगी? होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो किसी कार्बन चेन के अंदर कोई अदर एलिमेंट आएगा, जैसे ये आ गया, जैसे मैं बात करूं इसकी तो मेरे पास ये आ गया इस तरह से, है ना। तो इस तरह से एलिमेंट होगा तो उसकी हम बात करेंगे, तो वो कैसे होंगे? साइक्लिक। ये कार्बन कार्बन है। अब इसकी बात करें अगर हम यहां पर मान लीजिए मैंने सल्फर सल्फर लिखा है, सल्फर है ना, और ये सल्फर, और यहां पर भी सल्फर 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 सल्फर, तो ये भी कौन सा होगा? होमोसाइक्लिक होगा, क्योंकि इसमें क्या है? सारे सल्फर के हैं, है ना जी। तो इस तरह से हम अगर सेम इक्वल एक ही जैसे सारे बिरादरी के हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? होमोसाइक्लिक, है ना जी। और अलग बिरादरी का आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक। देखो जरा, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में, तो होमोसाइक्लिक में क्या होंगे फिर से देखेंगे आप, तो होमोसाइक्लिक में भी अलग अलग होंगे। कौन से होंगे? एरोमेटिक, एरोमेटिक और एलिफेटिक। क्या होंगे? एलिफेटिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। इसे बुक के अंदर ऐसे भी दिया गया है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक आप ऐसे बोल सकते हो, एलिफेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक जो है असाइक्लिक में भी होता है, ओपन में भी है, तो एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, तो इसे बोला एली में ये ALI यहां से लिया है और साइक्लिक उधर से, तो एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये है एलिफेटिक। इधर देखो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे पहचान? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एरोमेटिक होगा, मैं नॉर्मली एक फॉर्मूले की बात करूंगा और फिलहाल बाकी जो है वो रेजोनेंस के अंदर समझेंगे कि कौन से एरोमेटिसिटी, एक अलग से पॉइंट हो जाता है एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए अलग से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसके लिए एरोमेटिक होना जरूरी है। अगर कंप्लीटली कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें एक रूल नहीं होगा कि हम हगल रूल की बात कर ले तो हगल रूल फॉलो करने वाले एरोमेटिक हो सकते हैं। क्या और भी है? क्या मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 होना चाहिए, ठीक है, उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर पढ़ते हैं। फिलहाल हम ये कहेंगे यहाँ पर कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए और नॉर्मली से पहचानने के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला होगा। अगर एरोमेटिक पहचानना है तो आप इन दोनों में फर्क करने के लिए मैं यहाँ पर नोट लगा के लिख देता हूँ कौन से रूल को फॉलो करेंगे हम, हकल रूल को। किसको? हकल रूल। कौन सा है? हकल रूल। हकल रूल को हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। अगर हकल रूल को ओबे करता है एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, है ना, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओबे हकल रूल आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, मे बी एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉट एरोमेटिक। ये जरूरी नहीं है कि हकल रूल फॉलो करे और एरोमेटिक हो जाए, इसीलिए तो हम हकल रूल को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक हो सकता है, तभी हमारे पास। आप नॉर्मली कितनी बातें पढ़ते हो, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एलिफेटिक, है ना, एरोमेटिक और एलिफेटिक या एंटी एरोमेटिक, ये आप बोल सकते हो। तो आपके पास इतने ही नहीं होते, एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, नॉट एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, ये सारी चीजें हैं, ये बहुत सारे होते हैं, ये एरोमेटिसिटी के अंदर अलग टॉपिक हो जाता है वहां पढ़ने के लिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हगल रूल की, फिलहाल हम बात कर रहे हैं हगल रूल की, ठीक है जी, कंटिन्यू है। ओके हगल रूल की, तो हगल रूल क्या है आपके पास? 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड नहीं, ध्यान रखना पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन। इसे कैसे निकाले? हमारे पास एन जो है एक होल नंबर है, 0 1 2 3 4,
आगे मर्जी से, ये फिलहाल आप इस पे सिर्फ वैल्यू रखते जाइए, और जो आएगा, जो आपके पास पहला इलेक्ट्रॉन आएगा इस फॉर्मूले से, वो क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, और एरोमेटिक को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। और इससे जो रिमेनिंग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एलिफेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक के लिए जा सकते हैं। तो देखो आपने क्या किया, एन इक्वल टू एक बार क्या रखा, जीरो। तो फॉर्मूले में अगर रखोगे तो फोर एन, एन क्या रख दिया, जीरो प्लस क्या हो गया, टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसमें क्या होगा, ये तो वैल्यू पूरी जीरो हो गई, तो क्या आ जाएगा आपके पास इधर, टू पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर हम रखें तो हमने एन इक्वल टू क्या रख दिया, वन। अगर वन रखा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर इंटू वन प्लस क्या हो गया, टू। तो कितना हो जाएगा ये, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अगर हम एन इक्वल टू कितना रखना चाह रहे हैं, टू रखते चलिए, बस सोचिए मतलब कि कैसे पहचाने, आप रखो सिर्फ, है ना। तो इसको इस तरह से रखा तो कितना हो गया, एट, और टू कितना हो गया, टेन पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर मैंने एन इक्वल टू कितना रख दिया, थ्री, तो क्या हो जाएगा, फोर इंटू थ्री प्लस कितना हो गया, टू। क्या हो जाएगा आपके पास ये, ट्वेल्व, और प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर्टीन, है ना, फोर्टीन पाई इलेक्ट्रॉन। और मैंने एन इक्वल टू कितना रख दिया, फोर, फोर रख दिया तो फोर इंटू फोर कितना, सिक्सटीन, प्लस टू कितना हो जाता है आपके पास, एटीन। तो एटीन पाई इलेक्ट्रॉन है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से मैं वैल्यू रखता जाऊंगा और मेरे सामने आते जाएंगे। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि अगर मुझे किसी कंपाउंड में इस तरह से मिला, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल में बात कर लेता हूं, मैंने अगर ऐसा कंपाउंड लिया तो उस कंपाउंड के बारे में मुझे कैसे पता है कि एरोमेटिक हो सकता है या नहीं, ये पहला रूल है। तो आप यहां पर देखो, यहां पर पाई बॉन्ड कितने हैं, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री पाई बॉन्ड है। वन बॉन्ड कितने से बनता है, टू इलेक्ट्रॉन से। वन बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन से, टू इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। तो आई थिंक थ्री बॉन्ड है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, वन बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन से है, तो थ्री बॉन्ड कितने से हो गए, सिक्स से। तो क्या हो गया आपके पास, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने नहीं बोला है सिक्स पाई बॉन्ड, नहीं बोला है मैंने, है ना। बॉन्ड तो कितना है, थ्री पाई बॉन्ड है, थ्री पाई बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मैं सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन देखो मैच कर किया क्या कहीं पे, ये रहा, ये कर गया, यानी कि ये हगल रूल को ओबे करता है, दैट मींस इट मे बी पॉजिटिव। ये क्या हो सकता है, सॉरी, एरोमेटिक, है ना, इट मे बी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकता है नहीं है, इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे, हालांकि वो हमें भी पता है कि एरोमेटिक है, ठीक है ना, वो सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। फिलहाल इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए एलिफेटिक कौन होगा फिर, या एंटी एरोमेटिक की बात करें तो वो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है ऐसा है, तो देखो यहाँ पर क्या फोर पाई इलेक्ट्रॉन आया क्या हमारे पास, टू, टू के बाद सिक्स, सिक्स के बाद टेन, टेन के बाद फोर्टीन, एटीन, ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, टू पाई बॉन्ड है, तो एक में टू है तो कितने हो गए, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो फोर पाई इलेक्ट्रॉन क्या इसमें मिला हमें कहीं पे, नहीं, अकल रूल को ओबे कर रहा है, नहीं, अकल रूल को ओबे नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोल दोगे, ये कैसा है, एलिफेटिक या एंटी एरोमेटिक, ठीक है जी। तो ये आप फिलहाल बोल दोगे क्या है ये आपके पास, ये क्या होगा आपके पास, एलिफेटिक है, क्या जी, एलिफेटिक है। क्या बात समझ में आ गई आपको, बोलिए बात समझ में आ गई क्या आपको, देखो जरा चलते हैं आगे। हाँ, तो ये तो हकल रूल तो आपका हो गया कंप्लीट, अब बात कर लेते हैं हम आगे की, देखो जरा। हाँ ये हाँ, एरोमेटिक एलिफेटिक में हम थे, तो देखो जरा एरोमेटिक कौन कौन से होंगे। एरोमेटिक की अगर बात करें तो एरोमेटिक भी आपके पास टू टाइप्स का होगा, कितने टाइप्स का, टू टाइप्स का। अगर मैं बात करूं इसमें तो ये होगा बेंजेनोइड, जो बेंजीन की तरह हो, जैसे अभी देखा हमने, तो बेंजेनोइड जिसमें बेंजीन हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेंजेनोइड। दूसरा कौन सा हो सकता है, नॉन बेंजेनोइड, क्या होगा, नॉन बेंजेनोइड, ठीक है जी। तो बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजेनोइड में कौन कौन से होंगे, देखो एग्जांपल कौन कौन से होंगे, जैसे कि मैंने बेंजीन पहला ले लिया, बेंजीन क्या हो गया, बेंजीन, ये कैसा है, बेंजीन, तो ये एरोमेटिक हो गया, तो इसका नेम क्या हो गया, बेंजीन। दूसरा क्या है आपके पास, दो बेंजीन रिंग, टू बेंजीन रिंग जो है वो क्या हो गई, फ्यूज्ड हो गई है, तो इस तरह से होगा, तो इसे क्या बोलोगे, नेप्थलीन, नेप्थलीन, क्या हो गई, नेप्थलीन। नेक्स्ट बात करें, हाँ दिख रहा है, ठीक है जी, ठीक है, देखो जरा, थ्री रिंग हमने क्या कर दी है, फ्यूज कर दी है, और इसकी बात करें तो ये आपके पास क्या होगा, एंथ्रासीन,
एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और नेक्स्ट की मैं बात करूं तो मेरे पास ऐसी हो सकती है टू बेंजीन रिंग ऐसे और वन बेंजीन रिंग ऐसे। तो आपके पास क्या हो गया, ये इस तरह से ऐसे और नेक्स्ट ऐसे, इस तरह से हो जाएगी। तो इसको क्या बोल दोगे आप, सॉरी फेनेंथ्रीन, क्या हो जाएगा, फेनेंथ्रीन, फेनेंथ्रीन। तो आप देखो इस तरह से बेंजीन नॉर्मली है ना, फिर नेप्थलीन टू बेंजीन रिंग, फिर ये एंथ्रासीन। देखो टंग आपकी क्या कर रही है, सीधी स्ट्रेट जा रही है, एंथ्रासीन एंथ्रासीन। तो ये सारे के सारे स्ट्रेट है, ठीक है ना, एंथ्रासीन। फिर आ गया फेनेंथ्रीन, आप टंग को देखो इस तरह से उलट गई होगी है ना, तो आप देखोगे तो फेनेंथ्रीन, फेनेंथ्रीन बोलोगे तो टंग ऐसे उलट रही है, तो ये जो स्ट्रेट था ना वो उलट कर ऊपर चला गया, इसे कहते हैं फेनेंथ्रीन। ठीक है जी, याद हो गया होगा आपको कैसे होंगे, और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं है ना, ये सब किस में चल रहे हैं अभी, ये सब किस में चल रहे हैं जी, ये सारे के सारे जो है वो सब एरोमेटिक के अंदर चल रहे हैं अभी तक, एरोमेटिक के अंदर, एरोमेटिक के अंदर, ठीक है ना। तो सारे के सारे एरोमेटिक के अंदर हैं। देखो जरा और कौन कौन से, जैसे कि मैं बात करूं फिनोल, फिनोल भी इसमें होगा है ना, ये हो गया, कौन है इसका नेम क्या है, OH ऊपर है तो इसका क्या बोलोगे, फिनोल, ठीक है ना। और एक ये आपके पास इस तरह से लिख लो, बहुत सारे होंगे कंपाउंड्स, जरूरी नहीं है यही है, बहुत है, हम आगे पढ़ेंगे है ना, सॉरी NH2। तो इसको क्या बोलोगे, एनिलीन, क्या होगा, एनिलीन। एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, एरोमेटिक्स होंगे, और वो भी कौन से होंगे, बेंजेनॉइड एरोमेटिक्स होंगे। बात समझ में आई क्या, बोलिए भाई, आ गया समझ में कौन कौन से होंगे। तो ये आपके पास अभी तक कौन सा हुआ, एरोमेटिक के अंदर भी कौन सा, बेंजेनॉइड है ना, लिख लें इसे, मैं रब करने जा रहा हूँ, फिर मुझे नॉन बेंजेनॉइड को लिखना है, तो नॉन बेंजेनॉइड पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखो जो नॉन बेंजेनॉइड कौन कौन से होंगे उस पे बात कर लेते हैं, एरोमेटिक हो है ना, एरोमेटिक हो लेकिन क्या हो, वो नॉन बेंजेनॉइड हो, कैसे हो, नॉन बेंजेनॉइड हो। जैसे कि हम बात करें इस तरह से, ये आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास, ये नॉन बेंजेनोइड है, ये बेंजीन तो दिख नहीं रहा है फिर भी एरोमेटिक है, ये कैसा है, एरोमेटिक है। और कैसे है, जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है वो किसमें, इसमें चला जाता है अगर, तो ये सारी बातें भाई इसमें रेजोनेंस आएगा उसमें समझ में आएगी बात को ना, किस तरह से करते हैं। तो आपके पास क्या है, ये बेंजीन ये पाई में कन्वर्ट हो गया और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, फिर से ये इसमें चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी। तो आपके पास इस तरह से रेजोनेंस, यानी कि एक नेगेटिव जो है एक पाई में कन्वर्ट हो गया है, एक नेगेटिव एक पाई में कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम क्या मानेंगे, पाई बॉन्ड की तरह एज्यूम करेंगे। और टोटल बॉन्ड कितने, तो नेगेटिव एक पाई बॉन्ड की तरह कर रहा है, तो टू पाई बॉन्ड इसमें, तो फोर इलेक्ट्रॉन, तो ये एक नेगेटिव वो भी पाई में जा रहा है, तो टोटल उसको भी पाई में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, थ्री, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सिक्स। ठीक है, तो हमने अभी भी देखा था हगल रूल को ओबे कर रहा है, बिल्कुल ओबे कर रहा है। इसमें क्या है, टू पाई इलेक्ट्रॉन ओनली, क्या है, टू पाई इलेक्ट्रॉन है ना जी, टू पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। बात समझ में आ गई क्या, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे उनको, लेकिन एरोमेटिसिटी के अंदर उन्हें पढ़ा जाता है। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई ना, ये है बात। तो अब चलते हैं आगे, दूसरा कौन सा है आपके पास, एलिफेटिक, ठीक है ना, वो भी कौन सा है, साइक्लिक, साइक्लिक एलिफेटिक। तो इसे मैं रब कर रहा हूं, तो ये आपके पास एरोमेटिक खत्म हो गए, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड वाले, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सा, एलिफेटिक वाले। तो एलिफेटिक वाले की बात करें तो एलिफेटिक में कौन कौन से होंगे, देखो जो एलिफेटिक में कौन कौन से होंगे, तो देखो एलिफेटिक में आपके पास जैसे कि ये हो गया, हाँ देखो जरा, ये आपके पास क्या एरोमेटिक है,
कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है तो कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या 8 पाई इलेक्ट्रॉन ओबे कर रहा था? नहीं, नहीं कर रहा था। कैसा है? एलिफेटिक। एलिफेटिक है ना, तो एलिफेटिक है तो इस स्ट्रक्चर का नेम क्या हो जाएगा? जरा देखो कितने बॉन्ड है इसमें, कितने कार्बन है इसमें, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है, तो इसे क्या बोल दोगे? ऑक्टीन। क्या बोल दोगे? ऑक्टीन। हाँ, इसमें कितने बॉन्ड होंगे, कहाँ होंगे, किस तरह से होंगे, वो सब नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, है ना, वो सब नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। कि आप अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो, अगर कहीं से स्टार्ट कर रहे हो आप साइक्लिक फॉर्म में, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कैसे हम इसे नंबर देते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, क्या क्या बॉन्ड होते हैं, किस तरह से, सारी बातें कहाँ पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर में। अलग से टॉपिक है नोमेनक्लेचर में, तो वहां हम इसको पढ़ते हैं। तो आपके पास 1 3 5 है ना, और ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपके पास क्या हो जाएगा? बॉन्ड की पोजीशन आपको पता है, तो आप इसे क्या बोल दोगे? ऑक्टीन। ये क्या है? ऑक्टीन। अब ऑक्ट साइक्लो, तो वो भी साइक्लिक है, तो साइक्लो ऑक्ट, और बॉन्ड कहां पर है? 1 कहां पर है? 1 3 5 7, कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 4, तो टेट्राइन। क्या है? टेट्राइन। टेट्राइन कहाँ, कब, किस तरह से लगाएंगे, क्या बोलेंगे, ये सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो आपके पास इस तरह से, मैं फिलहाल आपके लिए नॉर्मली इसे डिस्कशन नहीं किया, इसीलिए मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? साइक्लोऑक्टीन भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? साइक्लोऑक्टीन। तो इसलिए मैं पोजिशन रिप्रेजेंट नहीं करूंगा आगे वालों में, और उनमें मैं ऐसे ही बोलूंगा साइक्लोऑक्टीन। क्या बोलूंगा? साइक्लोऑक्टीन मतलब उसमें इन है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ फिलहाल, क्योंकि इनके बारे में तो हम जान चुके हैं ना, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएं, इस तरह से। तो ये हो गए आपके पास इस तरह के। और कौन कौन से हैं देखो जरा, और कौन कौन से होंगे, है ना, और एग्जाम्पल है आपके पास इस तरह का होगा, ये रहा, कैसे होंगे, साइक्लिक एलिफेटिक है ना, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, ये रहा है ना, कैसे होंगे, ये रहा, ऐसे हो जाएंगे, है ना, ये सारे के सारे इस तरह के कंपाउंड्स ये हो जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा है, तो इसको क्या बोलोगे आप? इसे इस वाले का नेम को मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाले को, नीचे ये कितना है बॉन्ड, कितना बॉन्ड है? 5। कैसा है? 5। तो आप क्या बोलोगे इसको? साइक्लोपेंटीन। क्या बोल दोगे? साइक्लोपेंटीन। ये क्या है? ब्यूट है, तो साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटीन, सॉरी नॉट ब्यूटेन, इन है। और ये क्या है? साइक्लो प्रोपीन। अब कैसे ब्यूट, कैसे पेंट, कैसे प्रॉप, मैंने बोला है 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं, ये सब नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ सब कुछ देखेंगे। इस तरह से हम कार्बन नंबर 1 को क्या बोलते हैं? मैथ। 2 को क्या बोलते हैं? एथ। 3 को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे? नॉन। और 10 को क्या बोलेंगे? डेक। 11 12 भी होते हैं, अनडेक, डोडेक, इस तरह की चीजें, है ना, पर वहां तक हमें कंपाउंड नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो यहां तक ही काफी आपके लिए इस तरह की बातें। तो ये हो गया आपके पास कौन सा? एलिसाइक्लिक भी हो गया, है ना, एलिसाइक्लिक भी हो गया आपके लिए। अब आ जाओ कहां पर? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। कहां पर आ जाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है जी। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, देखो जरा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कौन होगा आपके पास? कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होगा, उसके बीच में कोई अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी अभी भी लिखा था आपने इस तरह से, ये क्या है? एन। ये क्या है? ओ, इस तरह से। हालांकि ये इसमें भी आप देखो तो इस तरह से बोल सकते हो, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक और एलिफेटिक। हिट्रोसाइक्लिक में भी क्या हो जाएगा? दो। कौन सा है? एरोमेटिक हिट्रो, हिट्रो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिफेटिक
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखो एरोमेटिक में कौन कौन होगा, जैसे कि ये क्या है एरोमेटिक में होगा ऑक्सीजन है ना, ये क्या है एरोमेटिक में होगा एन। कैसे होगा, टू पाई बॉन्ड है, इस पे लोन पेयर है ना, इस पे लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, ठीक है जी। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस कर जाएगा। तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में यदि नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और नेगेटिव पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में यदि लोन पेयर है तो रेजोनेंस कर जाएगा, और पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में यदि पॉजिटिव चार्ज है तब भी रेजोनेंस कर जाएगा, डीलोकलाइजेशन तो होगा है ना। तो ये जो है आपके पास इस तरह से होगा, ये आपके पास क्या हो गया ये। दूसरा हम क्या बोलते हैं, इसका नेम लिख लो इसका, इसको क्या बोलोगे, फ्यूरेन। क्या है फ्यूरेन, ये क्या होगा पायरोल, क्या होगा पायरोल। एक आपके पास क्या है इस तरह से एन, क्या हो जाएगा ये, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पायरेडीन, पायरेडीन। देखो आपने इससे पहले एरोमेटिक में बेंजिनोइड के अंदर पढ़ा था, मैंने इस तरह से लिखा था NH3 पर क्या लिखा था, सॉरी बेंजिन पर क्या, NH3 से क्या लिखा था, एनिलीन है ना, एनिलीन। तो एनिलीन आपके पास था, और एनिलीन में इसमें इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में, तो इसका जो लोन पेयर है वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इसका लोन पेयर अगर रिंग में कॉन्जुगेशन में है तो पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये कॉन्जुगेशन में है पार्टिसिपेट कर जाता है ना, अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये रिंग में जाएगा तो लोन पेयर जो है वो दे देगा। अगर लोन पेयर रिंग में दे देता है तो जब कोई भिखारी आएगा कहेगा बाबा क्या दे दे मुझे, लोन पेयर दे दे, इस प्याले में लोन पेयर डाल, तो क्या ये लोन पेयर देगा, ये कहेगा नहीं भाई हमने तो रिंग में दान कर दिया है, हमने तो हमारे रिंग में घूमने गया है हमारा लोन पेयर, हम नहीं दे सकते, ये टाइम लगाएगा नहीं देगा, इसका लोन पेयर जो है रिंग में नहीं जाता है। अगर रिंग में नहीं जाता है तो इसके पास कोई जाएगा भिखारी कहेगा प्याला लेके बाबा मुझे लोन पेयर दे दे, अगर लोन पेयर दे दे तो ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर दे देगा, सॉरी ये तो इसके उसको दे देगा जो प्याला लेके है ना उसको दे देगा, तो ये इसके तो काम आ नहीं रहा अंदर, तो ये उसको क्या करेगा लोन पेयर डोनेट कर देगा। लोन पेयर डोनेट करेगा तो हमें पता है लेविस बेस एसिड थ्योरी में आप देखते हो, तो आपके पास लोन पेयर अगर डोनर होता है तो उसे लेविस बेस बोलते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर होता है तो उसे लेविस एसिड बोलते हैं। ये बात भी हमने यहाँ पर डिस्कशन की हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास लेविस एसिड लेविस बेस में, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कैसा होगा, बेटर बेस होगा, जबकि ये लेस बेसिक है ना, लेस बेसिक है, लोन पेयर देता नहीं, ये लोन पेयर दे देता है, तो ये आपके पास है। ये कैसे है एरोमेटिक है, देखो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर रहा है अंदर, और ये कर रहे हैं तो इसका लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया, 2 पाई अंदर है तो 6 पाई, ये भी 6 पाई है, ये भी 6 पाई है, और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हाँ क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में कर रहा है, सर हम तो जानते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर है और 3 बॉन्ड बना सकता है जैसे साइनाइड की तरह बना तो सकता है, तो रेजोनेंस क्यों नहीं कर सकता, तो ये बातें भी हम बहुत अच्छे से हालांकि इसमें समझेंगे रेजोनेंस के अंदर, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं नॉर्मली कि अगर आपके पास क्या है कि यहाँ पर कोई कार्बन है साइक्लिक, ये कार्बन है और उसके बाद ये नाइट्रोजन है, तो आप जानते हो यहाँ पर एक बॉन्ड जो है इन्होंने इस तरह से बना लिया है, और दूसरा बॉन्ड ऐसे होगा और वो किसके ऊपर होगा, इधर के कार्बन पर, और इधर के कार्बन में होगा तो ये कार्बन भी इस तरह से पैरेलल, इस तरह से इस कार्बन के साथ पैरेलल होगा, ये इस तरह से, इस तरह से एक इसमें है ही इस तरह से, तो ये पैरेलल वाले तो क्या कर जाते हैं बॉन्ड कर जाते हैं। अब इसमें जो लोन पेयर है, इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ पर है, इसमें जो लोन पेयर होगा वो कैसे होगा, इस तरह से फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड तो बन चुका है, तो इसका अगर इसके साथ चला गया, इसका अगर इसके साथ चला गया, कहाँ बना हुआ है, अच्छा इसके इसके बीच में बना हुआ है, इस कार्बन के बीच में नहीं है, इसमें एक लोन पेयर ऐसा है ये वाला, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल ऐसा है और इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये वैकेंट पी ऑर्बिटल पहले इसके साथ क्या करेगा पाई बॉन्ड बना लेगा, क्या करेगा पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रखा है, तो आप जानते हो पी ऑर्बिटल में आपने देखा होगा पी ऑर्बिटल में अगर हम बात करें तो इस तरह से एक अगर एक्स एक्सिस में होगा तो एक वाई एक्सिस में होगा तो एक जेड एक्सिस में होगा, तो आपके पास यदि एक्स एक्सिस वाला यहाँ पर काम आ गया है तो आपके पास क्या बच जाएगा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो अब आपके पास जो लोन पेयर होगा वो कैसे होगा, इस तरह से होगा। अगर इस तरह से लोन पेयर होगा तो आपके पास जब तक प्लेन में नहीं होगा पैरेलल नहीं होगा वो डोनेट नहीं कर सकता, एक ऐसे है लोन पेयर
और कार्बन का ऐसे है जो यूज हो चुका है, अगर वो इधर देगा तो दे नहीं सकता, पैरेलल होना चाहिए लोन पेयर डोनेट करने के लिए, कैसा होना चाहिए पैरेलल, तब वो डोनेट कर पाएगा। तो इसका लोन पेयर जो है वो डोनेट नहीं कर पाता, आउट द प्लेन होगा, है ना, आउट द प्लेन से बाहर होगा, तो ऐसे होगा तो वो उसे डोनेट नहीं कर सकता, वो उसे डोनेट नहीं कर सकता। अगर आप इसे पूरे साइक्लिक फॉर्म में बनाओगे तो आपके पास ये यूज हो चुके होते हैं, ठीक है ना। तो ये इधर कार्बन होगा, तो इस कार्बन का जो है इस तरह का और इस तरह का, ये दोनों आपस में बना लेंगे, और इधर देखोगे तो ये कार्बन है और इधर जो है फिर से कार्बन है, तो इस कार्बन का और इस कार्बन का ये भी पैरेलल बना लेंगे, ये भी पैरेलल बना लेंगे, तो इनमें जो है वो डोनेट नहीं कर सकता, वो डोनेट इसमें नहीं कर सकता, ध्यान से सुनिएगा, है ना। बाकी हाइड्रोजन से जुड़े हुए तो ये इसके पैरेलल में है नहीं, तो आउट द प्लेन है, अगर प्लेन से बाहर है तो डोनेट नहीं कर सकता, इसका रीजन तो ये है कि ये डोनेट क्यों नहीं कर सकता, तो आउट द प्लेन होगा। बात समझ में आ गई? ओके, अब चलते हम आगे, अब चलते हम आगे। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट हो चुका है किसका, एरोमेटिक, अच्छा ठीक है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक हुआ है, तो ये हमने एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंप्लीट किया है, उसके एग्जांपल्स ये होंगे आपके पास, है ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, तो हेट्रोसाइक्लिक वाले होंगे। अच्छा, एलिफेटिक में कौन कौन हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक में, तो देखो एलिफेटिक में मैं इन्हीं का एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर, ये कौन से इस तरह के होंगे, ये हो गया आपके पास ओ, और ये हो गया आपके पास कौन सा, एन, है ना। तो इसको क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ना, अगर मैंने इसकी रिएक्शन H2 निकल और प्लेटिनम से करवा दी, तो ऐसे कैटलिस्ट की फॉर्म में इसकी नॉलेज कहाँ से मिलेगी, रिएजेंट से, कहाँ से, रिएजेंट से, ये वहां पर पढ़ा जाता है कि राने निकल ही क्यों लिया जाता है, कितना बेटर होगा, किस तरह से एडजॉर्प्शन करता है, वो सारी चीजें। तो ये क्या करेगा, H2 एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, एक एच यहाँ लगेगा, एक एच यहाँ लगेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक एच यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, तो कितने एच हो गए, चार, 1 2 3 4, फोर हो गए, फोर हो गए, तो उसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रो। तो अगर मैंने फ्यूरेन पर चार हाइड्रोजन लगा दिए और इस तरह से हो गया, तो मेरे पास हो जाएगा क्या, इसका नेम हो जाएगा टेट्रा हाइड्रो हाइड्रोफ्यूरेन, क्या हो गया, टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन। और अगर ये पाइरोल है और पाइरोल पर भी मैंने ऐसे ही लगा दिया, तो चार हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रो पाइरोल, पाइरोल। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये किस में आ गए, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आइसोमेरिज्म, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बात आप लोगों को, आई थिंक ये सारी बातें जितनी हमने पढ़ी है, तीन टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए, ये सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको समझ में आ रही है तो इसे वीडियो को भाई आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब बढ़ाएं भाई जल्दी जल्दी, है ना। तो हम, मैं इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और कौन से टॉपिक पर बनाना चाहिए। हालांकि इसे कंप्लीट करने वाले हम एक तरफा हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अलग प्लेलिस्ट में चल रहा है, और ये पूरा अलग होगा, तो इसके लिए हम अलग करेंगे, उसके लिए अलग चल रहा है, तो ये सारा हम जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करें, ठीक है जी, थैंक यू।